नमस्ते मैं जया स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में आज जो चक्रास के बारे में बताने वाली हूँ वो है सोलर चक्रा ठीक है जिसकी मैं आज जानकारी देने वाली हूँ सोलर चक्र जो नाभि के अबव स्लाइटली अबव नेवल होता है ठीक है सोलर चक्र को मणिपुर चक्र भी बोलते हैं इसकी क्वालिटी होती है इमोशनल कम्युनिकेशन एंड एसिमुलेशन हमारी जो सेल्फ एस्टीम है पर्सनल पावर है एनर्जी है वो सब चीज़ें इस चक्र से एसोसिएटेड हैं इसका एलिमेंट होता है फायर फिर अब आते हैं जो क्रिस्टल्स होते हैं सोलर चक्र को हील बैलेंस और अपलिफ्ट करने में हेल्प करते वो है सिट्रीन जेड, येलो जास्पर गोल्डन कैल्साइट, एम्बर गोल्डन रोपास सनस्टोन टाइगर आय सो इनमें से कोई भी क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं आपके सोलर चक्र को हील बैलेंस और अपलिफ्ट करने में अब जब ये चक्र बैलेंस्ड होगा तो क्या होगा यू विल बी इमोशनली बैलेंस्ड एंड केयरिंग ठीक है फिर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी एंड आपकी एक पर्सनैलिटी रहेगी मीन्स एक एक खम्बीर पर्सनैलिटी रहेगी मीन्स आप वज़न रहेगा आपकी पर्सनैलिटी में जैसे भी इट डजेंट मैटर आप कैसे दिख रहे हो लुक वाइज कैसे क्या हो बट यू विल बी हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी यू विल बी कॉन्फिडेंट जो भी काम करोगे कॉन्फिडेंस के साथ करोगे देन यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट द आइडियाज़ इन योर माइंड एंड मेक देम इन टू द रियालिटी ठीक है फिर आप जब ये चक्र बैलेंस रहेगा सो इट विल हेल्प यू टू लीड द लाइफ इन द करेक्ट वे ठीक है और आपके जो भी स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकोगे यू विल बी सेल्फ एश्योर्ड ऑफ ऑल योर कैपेबिलिटीज़ फिर वहीं जब ये चक्र इम्बैलेंस रहेगा देन क्या होगा जो मैंने बताया उसका एकदम उल्टा होगा इट कैन लीड यू टू टेकिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स कई बार अदर दूसरे लोगों के फीलिंग्स या प्रॉब्लम्स के कारण आप प्रॉब्लम में आ जाओ या फिर समटाइम्स यू में फील लाइक यू ओवरहैंड योर ओन इमोशंस ठीक है कई बार आप आ, आपकी एनर्जी यूटिलाइजेशंस को बराबर नहीं कर सकते उसके कारण कई बार बहुत ज़्यादा ड्रेंड आउट हो या कई बार ओवर एक्टिव माइंड हो जाता है ठीक है कई बार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ये मैक्सिमम लोगों में देखने को मिलता है कि सब कुछ है स्टिल दे आर नॉट हैविंग द कॉन्फिडेंस ठीक है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बहुत देखने को मिलती है यदि ये, ये चक्र बैलेंस नहीं हो फिर कई बार देखिए हार्ड वर्क हम सभी करते हैं बट कई बार क्या होता है कि हमारे हार्ड वर्क का बराबर हमको रिजल्ट नहीं मिलता है सो so, उस केस में सबसे पहले आप आपके सोलर चक्र को हील बैलेंस और अपलिफ्ट करने की तरफ ध्यान दीजिए फिर यदि डिजीजेज बोलें ठीक है सो जो डिजीजेस कई लोगों को फेस करनी पड़ती है इस चक्र के इम्बैलेंस के कारण वो है स्टमक अल्सर्स इनसोमनिया देन क्रॉनिक एंगजाइटी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स देन पेनक्रियाटिक इश्यूज़ एग्जेमा स्किन इश्यूज एनी टाइप ऑफ स्किन इश्यूज ईटिंग डिसऑर्डर्स फोबियाज देन गिल्टी ऑफ नॉट अचीविंग नॉट या नॉट अचीव एनी थिंग या इनफ इन योर लाइफ सेल्फ पिटी फेस करना देन uh, लेजीनेस बहुत ज़्यादा यदि फेस कर रहे हैं देन सोलर चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है इन केस ऑफ ओवर एक्टिव जब हो जाता है ये चक्र तो कई बार लोग जो है दूसरों को बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं अथॉरिटेटिव हो जाते हैं एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है मैनिपुलेटिव हो जाते हैं मिसयूज करने लगते हैं कई बार लोगों का कई बार हरासिंग करते हैं ठीक है दूसरे लोगों की खास करके देखिएगा सबॉर्डिनेट्स या फिर जो मेड्स होते हैं उसमें uh, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो अपने मेट्स को बहुत पूरी तरह से ट्रीट करते हैं सो दिस इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग द मतलब इससे पता लगता है कि उनका सोलर चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है देन कई लोग बहुत पॉलिटिक्स पावर प्ले माइंड गेम्स ईगोइस्टिक होना इन सब चीज़ों में बहुत लिप्त uh, होते हैं पॉलिटिक्स खेलते रहना देन बोस्टफुल अबाउट देयर अचीवमेंट्स जो भी किया कि आई एम दिस हमेशा अपनी शेखी बघारना ऐसे लोगों को, को भी अपना सोलर चक्र बैलेंस करने की ज़रूरत है फिर कई लोगों को बहुत ज़्यादा भी हम हम सब की कोई ना कोई इमेज होती है सोसाइटी में कुछ लोग दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर इमेज इन द सोसाइटी वो भी एक इम्बैलेंस uh, का तरीका है ओवर एक्टिव है बट इट इज़ नॉट बैलेंस दैट्स वाई इट नीड्स टू बी बैलेंस ठीक है फिर कई लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंपटीशन करते हैं कि हम परेशान हो जाएंगे अरे यार इसको ही दे दो कंपटीशन का जो भी गिफ्ट है या प्राइज है गिफ्ट दें ताकि हम शांति से बैठ सकें ऐसा कई लोगों को देखने को मिलता है सो so, उनका भी सोलर चक्र बैलेंस करने की ज़रूरत है आप कलर बोलें तो सोलर चक्र का कलर हुआ है देन फूड बोलें सो so, आप जो भी येलो कलर्ड फूड है चाहे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी लाइक बनाना पाइनएप्पल कॉर्न येलो पेपर येलो लेंटिस कोई सारी जो दालें येलो कलर की वो आप यूज़ कर सकते हैं देन ओटमील फ्लेक्सीड्स इनको आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं जिसके जैसे कि आपका सोलर चक्र बैलेंस हो रहा है फिर से यदि आपको यूज़ करना है तो आप यूज कर सकते हैं आई डीपली एंड लव एंड एक्सेप्ट द वे आई एम आई एम वर्दी ऑफ माई ओन सेल्फ लव देन आई अप्रिशिएट माई स्ट्रेंथ्स फिर आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ सो ये एफर्मेशन यूज़ करके भी आप आपके सोलर चक्र को बैलेंस करने में हेल्प ले सकते हैं सो so, इस तरह से आप ये सारे प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके सोलर चक्र को हील बैलेंस uh, और अपलिफ्ट करने में इन क्रिस्टल्स की मदद ले सकते हैं वो फूड यूज़ कर सकते हैं और आपके लिविंग जो है बैलेंस बना सकते हैं बैलेंसिंग ऑल द सेवन चक्रास ठीक है अभी जो सीरीज़ मैं निकाल रही हूँ इसमें हर एक वीडियो में एक एक चक्रा का स्पेसिफिकेशन दे, दे रही हूँ सो so, उनकी मदद से आप वो सारे चक्रास को हील uh, बैलेंस और अपलिफ्ट करने में वो क्रिस्टल फूड को यूज़ कर सकते हैं वो एफमेशन को यूज़ कर सकते हैं थैंक यू